जिंदगी तो नहीं, गम की मझधार है। अरे आओ ना, आओ अंदर आओ, बैठो। अरे वाह, माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है। हाँ वाकई बहुत ही अच्छा। वो तो ठीक है, वैसे बहन के घर आने का ख्याल कैसे आ गया आज? असल में हमें बाजार जाना था, अम्मी ने इजाजत तो देनी नहीं थी, तो दानिश ने उनसे कह दिया कि उजाला अपी के घर जा रहे। अच्छा वही ना, वरना ऐसे थोड़ी आना था तुम लोगों ने। बहुत खुदगर्ज हो गया तुम सब लोग। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, असल में हमें शॉपिंग भी करनी थी, बाजार जाना था, उसके अलावा तुम्हें इनवाइट करना था अलीजे की बर्थडे के लिए। दानिश अभी उसने तुम लोगों की तरह झूठ बोलना नहीं सीखा। हाँ लेकिन दानिश कह रहे थे कि कहीं मंसूर भाई को बुरा ना लग जाए, इसलिए जाकर इनवाइट करते हैं। वैसे मंसूर भाई हैं कहाँ? अपनी अम्मी को देखने गए, मैं बाजार चली गई तो बस फौरन से उन्हें अपनी अम्मा याद आ गई। उनकी अम्मी ठीक तो है ना अब? हाँ उन्हें क्या होना है, ऐसे लोग इतनी जल्दी थोड़ी जान छोड़ते हैं। मुझे ये किस तरह बात कर रही, वो मंसूर की अम्मी है। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा घर डेकोरेट किया। हाँ बहुत अच्छा। हाँ उनसे आजकल उसकी बहन ने बड़ा आना जाना शुरू किया हुआ है, मुझे तो ये डर है कहीं अलीजे को ही ना उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दे। ओ अम्मी, एक तो आप भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती है, लीजे बहुत समझदार लड़की है। अच्छी तरह जानती हूँ कितनी समझदार है वो, जमाने भर की बेवकूफी भरी है भेजे में। अकल वाली होती ना तो यूं अपनी जायदाद दौलत छोड़ के दानिश जैसे कंगले के पीछे आती। दौलत जायदाद ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ, इसकी खाला ने खुद बताया है हमें। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी कंगली गरीब सी लगती है, उसके पास कहां से दौलत और जायदाद आ गई? सब झूठ है, सबका सब झूठ है। मुझे तो यकीन है कि जानबूझ के ऐसा कहा होगा ताकि हम अलीजे के रोब में रहें और उसकी आओ भगत करें। ऐसा नहीं है कि उसके पास इतना पैसा रुपया होगा। ये भी ठीक कह रही है तू, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब सोचे, और हाँ आपको कोई जरूरत नहीं उसके किसी भी किस्म के रोब में आने की, उसके पास कोई दौलत नहीं है, सब झूठ है, बड़ी आई पैसे वाली। झूठ है तो फिर झूठे को घर पहुंचाना बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। देखना फिर, अब देखना मैं करती क्या। बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ है। भाई वो सब तो सही है लेकिन मैंने सोच लिया हम लोग केक काटने के बाद सब भूलने लगे। गुड आइडिया। अरे वाह केक आ गया। अरे वाह भाई केक तो बड़ा लजीज लग रहा है। कितना अच्छा केक है ना। वाह कितना प्यारा केक है। चलें जी। नहीं पहले कैंडल तो जलाओ। ये कैंडल जली। Bye.
कान्या का? कान्या? Happy birthday, happy happy birthday. Dhanesh. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे अली, अलीजे का हैप्पी बर्थडे। ये भाई मेरा, हाँ भाई, यार भाई क्या कर रहे हैं यार भाई? नहीं दानियाल, छोड़े से आपकी भाई क्या कर रहे हैं दानियाल भाई? दानियाल भाई, दानियाल भाई संभाले अपने आप को। दानियाल भाई मेरा मेरा दानियाल भाई प्लीज, क्या हो गया आप लोगों को? इनको रोके तो सही, सारा केक खराब कर दिया इन्होंने। क्या कर रहे हैं आप ये? प्लीज रुक जाए। ए ए लड़की होश में रहो, बेटा है ये मेरा, इस घर का बड़ा है। तो क्या इनको होश नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? अगर ये बीमार है तो इनको कमरे में बंद रखा करें, वरना इस तरह ये तो। अर्चना प्लीज, अर्चना प्लीज खामोश हो जाओ उस वक्त। कोई बात, जाएं भाभी आप अपने कमरे में जाएं। अलीजा तुम जाओ। सारी पार्टी बर्बाद कर दी इन्होंने। अलीजा आओ। बस यार सलना ठीक कह रही है, दानियाल को कमरे में रखना चाहिए। मंसूर भाई मैंने कमरे में इन्हें बंद किया था, फिर पता नहीं इन्हें किसने खोला है। मैंने खोला था, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सब तो याशी करें और मेरा बच्चा बेचारा कमरे में बंद पड़ा रहे, समझे? अम्मी आप जो है ना, क्यों बड़ा भाई तुम्हारी खुशी में शरीक नहीं हो सकता दानिश। देख लिया ना आपने ये खुशी तो पहले अपने हवासों में नहीं है, तो क्या मतलब है इसको जीने का, खुश होने का कोई हक नहीं है? भाई छुरी नीचे। भाई छुरी नीचे रखे। अम्मी चलो बताओ, अब इस घर के लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भाई छुरी रखे। भाई चलो, तुम बस अपनी माँ के बेटे हो, चलो। चलो चलो मेरा केक, मेरा केक। संभालो खुद को और दानिश प्लीज तुम भी जरा रिलैक्स हो जाओ, जो होना था सो हो चुका। सारा सारा केक बर्बाद कर दिया, पूरी पार्टी खराब कर दी। सब केक खराब कर दिया। बर्दाश्त अपने बच्चे के साथ बुरा सलूक, मुझे बताओ, मुझे बता दो इसमें मेरा क्या कसूर है? हर कोई मेरे खिलाफ क्यों है? आंटी प्लीज सर आप खुद भी तो सोचिए कि दानिश ने अब तक कौन सी खुशी मनाई है? अगर आज उसने पहली बार अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ कर लिया है तो इसमें हर्ज क्या है? बीवी की बात मान ले, बीवी को खुश करना जरूरी है ना, उसे खुश कर ले। हम सब तो पागल हैं, हमें भी कमरे में बंद कर देता, क्या जरूरत थी निकालने की, क्या जरूरत थी हमें साथ शामिल करने की? माएं तो अपनी औलाद की खुशी के लिए पता नहीं क्या कुछ करती,
हत्ता कि अपनी औलाद से दूर रहना भी बर्दाश्त कर लेती और सिर्फ इसलिए कि उनकी औलाद अपनी बीवी को खुश रख सके। ये पता नहीं उजाला कहाँ रह गई, मैं जरा उसे देख कर आता। तो कुछ नहीं किया तो मुझे सॉरी रीजा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज अब तुम मूड ठीक करिए। दानिश जो तुम कर नहीं सकते ना, उसकी बात भी मत किया करो। प्लीज से और कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें, मैं कह रहा हूं ना आइंदा ऐसा नहीं होगा, नहीं करेंगी अम्मी ऐसा, हमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दानिश मैं ख्वाबों की दुनिया में खुश नहीं रहना चाहती, मैं हकीकी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हें झूठे ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, मैं हर ख्वाब सच करके दिखाऊंगा कसम से। अल्लाह करे ऐसा ही होगा। लीजे तुमने मेरे लिए आज तक इतना कुछ किया, इतना कुछ बर्दाश्त किया, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो दानिश, लेकिन तुम्हारी अम्मी, अम्मी का भी हल मैं निकाल लूंगा और भाई का भी। उनके इलाज के अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास, सीरियस होकर उनका इलाज क्यों नहीं करवाते? लीजे कितना इलाज करवाया उनका, सारी कोशिशें कर ली हमने अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अम्मी नहीं चाहती कि मजीद पैसा खर्च हो भाई के इलाज पर, और अम्मी से छुपकर अगर किसी डॉक्टर को लेकर आते हैं तो वो हमसे बदगुमान हो जाएंगे। लीजे प्लीज समझने की कोशिश करो ना। दानिश मुझे नहीं समझ आता हमारा क्या है। बस जो मैं कर रहा हूँ तुम वो करती जाओ। वही करती आ रही हूँ मैं। लो भला इसमें मेरा क्या कसूर था, मैं कौन सा सिखा के लाई थी उसे। फिर भी सलीमा, जब तुम दूसरे तरीके से अलीजा और दानिश को अलग करने की कोशिश कर रही हो
फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? खुश रहने दो उन्हें। तो ना मैंने कुछ कहा ना मैंने कुछ किया, मगर अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई की खुशी में भाई शरीक ना हो। चलो ये बात ठीक है, लेकिन उसे कौन सा होश था? उसे तो खाना मिलना चाहिए। भाई जब खाना खाने लगते तो बुला लेते उसे भी। मुझे उसकी खाला जाद ने दिन रात आना शुरू किया, एक आंख नहीं भाती है मुझे। उसे भगाना था मुझे, और मुझे पता था दानियाल जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा जिसे देख के वो डर जाएगी। ये नहीं पता था कि वो केक ही खराब कर देगा। अच्छा ऐसा सबक मिला ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। सलीमा मुझे क्या बता रही हो, मैं जानती नहीं हूँ। एक नंबर की चालाक हो तुम। टांग बराबर लड़की मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में घुसी चली आ रही है, क्या ख्याल है उसका? जीने दूंगी मैं उसे, चुपकी से पकड़ के घर से ना निकाल दूंगी। पता है लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, और आपकी दुल्हन बन के आएगी ना तो और भी अच्छा रहेगा। अम्मी खुदा के लिए आहिस्ता तो बोलो, अब अम्मी को नहीं बता देना जाके सब कुछ। ऐसी बातें छुपाने के ना पैसे लगते हैं पैसे। रोशनी तुम्हें पता है ना रिश्वत लेना बुरी बात है। तो मैंने कब कहा कि मैं अच्छी हूँ? तो हूँ ही बुरी। अब पैसे निकाले तो फिर पहले वादा करो भाई और भाभी को कुछ नहीं बताओगे। पक्का वादा, पर इसके लिए ना और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। 300। खुदाया मुझे गलती हो गई तुम्हें बताकर, तुम जैसी बहनों को ना तो अल्लाह ही पूछेगा। ज्यादा बातें मत बनाए, पैसे निकाले पैसे। देता हूँ देता हूँ। अच्छा 100 रुपए का डिस्काउंट तो दो। 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देता। तुम भी ना लालची लड़की। की लालच? दे रहा हूँ दे रहा हूँ, ये लो अपने पैसे। अब कुछ दिनों तक मेरा मुंह बंद रहेगा। रोशनी की बच्ची अब तो जो होना था वो हो गया ना सरना, कम से कम तुम तो नाराज मत हो अब। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हाँ लेकिन दानिश भाई से जरूर नाराज हूँ। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते थे सबके सामने, और वैसे भी दानिश मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए यही बहुत है। क्या हो गया है तुम्हें अलीज़े? किस दुनिया में रहती हो तुम? जो मोहब्बत करते हैं ना वो एक कांटा तक चुभने नहीं देते। अरे वो तो फिल्मी मोहब्बत होती है, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता। हकीकत में तो मर्द बस रिश्तों के दरमियान फंस जाता है, और औरत को उसका साथ देना ही पड़ता है। इसी का नाम जिंदगी। पता नहीं अलीज़े, लेकिन तुम्हारी तो मंतक मेरी समझ से बाहर है। ओके तुम परेशान मत हो, नहीं हूं मैं नाराज। लेकिन तुम आओगी ना? हाँ आऊंगी मैं तुम्हारे पास। खुश? हाँ चलो ओके अल्लाह। और नहीं तो क्या, तुम्हें तो ना जैसे मौका मिल गया था अपने दिल का गुबार निकालने का। नहीं अम्मी के सामने शुरू ही हो गए थे मुझे ताने देने। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने लिए जो पसंद करो वही अपने भाई के लिए। सो ये ना तुम्हारी मतलब की बात, इसलिए तो मैंने याद रखा। चलो भाई जैसा भी हूं कम से कम मुनाफिक नहीं। कहना क्या चाहते हो? उजाला तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने कभी ये कहा कि तुम्हें अपनी सास का ख्याल रखना चाहिए? नहीं ना, लेकिन अपनी बहू से वो ये चाहती हैं कि वो उनका बहुत ख्याल रखे, घर के सारे काम करे, और उनका बेटा अपनी बीवी की खुशी देखे ही ना।
बस जो वो कहती चली जाए वो करता चला जाए, ये मुनाफिकत नहीं है। उन्होंने जो अपनी औलाद के लिए है वो कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए वो ऐसा कहती। मुशाला तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी अम्मी की अस्मत पर एक किताब लिख डालो। और भाई ये कहानियां मैं तो कई बार सुन चुका हूँ, अच्छा है कि दुनिया वाले भी जाने तुम्हारी अम्मी कितनी अजीम है, राइट? इस बारे में सोचना जरूरी। दानिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अम्मी, आज आप घर पर नहीं थी, कहीं गई नहीं थी बाहर? कोई काम था? बस ऐसे ही। ऐसे ही कभी दानियाल को भी देख लिया करो, सारी रात परेशान रहा है, दरवाजा पीटता रहा है, बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा चले मैं देख लेता हूँ, बस अभी ऑफिस से आया था तो सोचा आपको सलाम कर लूं। यूं कहो देखना चाहते थे कि मेरा गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। खाना खाया तुमने? जी अभी अलीजे लगा रही है खाना। चलो जाओ शाबाश खाओ खाना। शाबाश पूरा खत्म करना है। अच्छा शाबाश जल्दी 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 मेरा बच्चा। तबीयत भाई की वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। वो आई थी, वो आई थी। अम्मी अम्मी फिर आएगी ना अम्मी, वो फिर आएगी ना, है ना, है ना? हाँ मेरे बच्चे हाँ। मैं तो इसके पास में आती हूँ। दानियाल भाई थोड़ा आराम कर लें। दानियाल
वैसे भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके आने से घर में रौनक सी आ जाती है, घर का माहौल बदला बदला सा लगता है। हाँ लेकिन ये बदलाव अम्मी को कुछ अच्छा नहीं लगा। अम्मी की आप छोड़े ना भाभी, वो तो हर वक्त ही गुस्से में रहती हैं। वैसे अम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो हुआ मैंने उसे भुला दिया, बुरे वक्तों को भुला देना ही बेहतर है। अरे वाह अरसलना, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मेरी बीबी को तो चैन ही नहीं मिलता, हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती। अच्छा हालांकि मेरे सामने तो सिर्फ आपकी तारीफें करती हूँ, क्यों अलीज़े बताओ। अरसलना ये बात तो सच है अरसलना, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है, इतना ख्याल रखती है मेरा, मेरे घर वालों का, सबसे दिल से मोहब्बत करती है। ये तो है। आजा शाबाश, आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा। अरे वाह देखा आप लोगों ने, ये है मेरे भाई, और आज इन्होंने तैयार होते हुए बिल्कुल भी जिद नहीं की, मेरी सारी बातें मानी है। कैसा अच्छा लग रहा है ना मेरा बच्चा। है ना दानियाल। अलीज़े ये क्या कर रही है आंटी, पता नहीं ये क्या करेगा। लेकिन अम्मी आप इन्हें यहाँ क्यों लाई हैं? क्यों ना, सारा दिन कमरे में अकेला पड़ा रहे, तबीयत खराब है भाई की, कोई पागल नहीं है। क्यों दानियाल पागल तो नहीं है तुम? हाँ मैं पागल नहीं हूँ, पागल ही हूँ, ठीक हो गया। भाई इतने दिनों के बाद आपको इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आपको ऐसे देख रहे हैं। आप कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे? बोलो दानियाल क्या खाओगे बेटा? चाय बना दे भाई के लिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अलीज़े हम अंदर कमरे में चलते हैं। भाई क्या कर रहे? भाई कहाँ जा रहे? बैठे हैं। बैठ जा बेटा बैठ जा, हम सब यही हैं, बैठ जा। दानियाल के पास है सब, देखो दुरैन भी है, दानिश भी है, रोशनी भी चाय लेने गई है तुम्हारे लिए। हाँ चल आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है, उन्हें अचानक देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी, पता नहीं अब क्या करेंगे। बस भी करो अरसलना, अम्मी ने सुन लिया ना तो बहुत नाराज होंगी, और वैसे भी वो हमेशा ऐसे नहीं करते, बस उस दिन ही कुछ हो गया था। वैसे बेचारे हैं तो स्मार्ट, मुझे हैरत होती कि कोई लड़की उन्हें छोड़ कैसे सकती है। बस मत पूछो, उसी लड़की के चक्कर में तो अपने होशो आवाज खो बैठे, काश वो ठीक होते ना तो दानिश पर भी बोझ कम होता, और अब तो उनके भी सारे काम दानिश को ही करने पड़ते हैं, ना वो दानिश के अलावा किसी के हाथ से कुछ खाते हैं ना कुछ करते हैं। तुमने दानिश भाई से उनके इलाज के बारे में कोई बात की? की थी लेकिन टाल दिया दानिश ने।
ये बताओ कि दुरैन कैसा लड़का है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई वैसे ही पूछ लिया था, तुम्हारी ससुराल वालों को पता थोड़ी है कब कौन अंदर से पागल निकला है। अब ऐसा भी नहीं है, और दुरैन तो बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, मेरा तो बहुत ख्याल रखता है। अब तुम कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं। अच्छा मुझे जल्दी घर जाना है, अम्मी से कह के आई थी कि एक घंटे में घर आ जाऊंगी। अभी आए हुए देर ही कितनी हुई है तुम्हें, बल्कि तुम खाला को भी साथ ले आती ना, अब तो अम्मी से दोस्ती हो गई है उनकी। नहीं भाई, तुम्हारी सास बहुत चलाक औरत है, वो अम्मी से कुरेद कुरेद के तुम्हारे बारे में ही पूछती है। क्या? हाँ, अम्मी बेचारी पता नहीं कैसे हैंडल करती है उन्हें। वैसे कभी कभी मुझे सोच के हैरत होती है, तुम इस घर में दिन कैसे गुजारी हो अली से? साला को मेरा बहुत सारा प्यार देना, और तुम भी आती रहा करो ना। और नहीं तो क्या, आपके आने से। बस बस, पता है मुझे, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं, समझे आप? असल ना देवर है मेरा, आराम से। देखा, भाभी हो तो ऐसी। वैसे भाभी ये आप ही कजन है ना, क्योंकि लगती कहीं से भी नहीं। एक्सक्यूज मी, सरक तमीज से। अच्छा अच्छा, अब लड़ना बंद करो, जाओ तुरंत असल को छोड़ा। तो आज भी मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा? जी हाँ, इस घर में एक नई तो हूँ जो बोझ कुली की तरह इधर से उधर लेके जाता है। अलीजे तुम हंस रही हो इनको डांटने के बजाय, ठीक है आइंदे मैं तुम्हारे घर ही नहीं आऊंगी। नहीं अब चले भी, वरना मैं तो चला। बहुत पूछ रही थी ना इसके बारे में, कैसा लगा? बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है, पागल है दोनों। थैंक यू कहकर शर्मिंदा तो मत करो मुझे। खड़े क्यों, जा। ओके बाय। तुम क्यों खड़ी हो, जाओ। कुछ नहीं बस, यूं ही। असल ना जब से तुम्हें देखा है तो जैसे अपने होश ही खो बैठा। तो इसका मतलब मैंने सही सोचा था, तुम्हारी सारी फैमिली पागल है ना? तुम जो भी समझो, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे देर हो रही है। अरसलना, अरसलना। हाँ भाई, मैंने सोचा आज तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर ही दूँ। अच्छा, बहुत एहसान किया ना आपने मेरे ऊपर आकर। बस रहने दे अम्मी, आप ही के कहने पर मैं अलग हुई, और तोपा आपने तो पलट के मेरी खबर तक ना ली। तो क्या अच्छा नहीं किया, जिंदगी में सुकून तो आ गया है ना तेरी, हर वक्त की खिदमत गुजारी से जान तो छूट गई है ना, वरना लगी होती सास की अतात में। वो सब तो ठीक है, लेकिन अकेले तनहा रह के मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। एक आध बच्चा हो जाएगा ना तो ये अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मंसूर तो अपनी फैमिली बढ़ाना ही नहीं चाहता, पर जिम्मेदारी जो है माँ की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी, सबसे निकले तो
तो उनसे जान छुड़ाने का भी तो यही तरीका है, आसान तरीन। एक बच्चा हो जाएगा ना तो इसका दिल भी बच्चे में लग जाएगा और खर्चा भी सारा यही लगना शुरू हो जाएगा, देख लेना। फिर खुद ही कहेगा भाई को नौकरी करने के लिए, लिख ले मेरी बात। कह तो ठीक ही नहीं है वैसे। बस तो मेरे कहने पे अमल करती रहो, फायदे में रहोगी। तुम्हें देखा है मैं तो जैसे अपने होश ही खो गया। तुम जो भी सर, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। की मझधार है।